नमस्कार, अब हम लोग बात करेंगे सेलुलर इवेंट्स के बारे में, जिसमें मार्जिनेशन, रोलिंग, अडेशन, डायबिटिस, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस और किलिंग की प्रोसेस होती है। क्या है ये इवेंट्स? यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी घटना होगी, किस सीक्वेंस में होगा। सबसे पहली घटना होती है नॉर्मल एक्सियल फ्लो। तो इसमें आमतौर पर एक्सिस पर बीच में सेल्स चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे पता चलता है कि आसपास में कोई अटैक हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने सिग्नल दिया कि यहाँ पर कोई माइक्रोब्स अवेलेबल है, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये सेल्स जो बीच में जा रही थी वो मार्जिन की ओर आना शुरू कर देती है। किधर की ओर? मार्जिन की ओर चलना शुरू कर देती है। आप देखिए, ये मार्जिन की ओर पहुंचना शुरू कर दी। और जैसे गाड़ी होती है बहुत तेज रफ्तार में चल रही तो अचानक से नहीं रुक पाती है, ऐसे ही ये धीरे धीरे करके रुक पाते हैं, ये रोलिंग करते हैं। रोलिंग क्यों करते हैं? आप देखिए, ये रोलिंग करते हुए इनकी स्पीड धीमी होती है। क्यों रोलिंग करते हुए? तो ऐसा नहीं है ये इतनी तेजी से चल रहे होते कि यहाँ पर धीरे 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 करके रुक पाते, इनकी स्पीड रुक पाती है, जिसे हम रोलिंग एंड अडेशन कहते हैं। और उसके बाद अगले इवेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा ये इमाइग्रेट करते हैं और डायपिडेसिस के द्वारा जहां पर रिस्पॉन्स की जरूरत है वहां पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रोलिंग से पहले घटना होती है वो मार्जिनेशन की होती है। मार्जिनेशन, मार्जिन की ओर आना मार्जिनेशन कहलाता है। इसमें सेल्स इंडोथिलियम की ओर या पेरिफेरी की ओर पहुंचना शुरू कर देती है। मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स इंडोथिलियम पेरिफेरी, और ये क्या होता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी के बढ़ने की वजह से। वैसोडाइलेशन और सेलेक्टिन्स भी इसको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद क्या होगा, रोलिंग होता है। रोलिंग, मैंने आपको बताया मार्जिन्स पर पहुंच गए, अब रोलिंग होगा। रोलिंग में सेलेक्टिन्स का रोल देखा गया है। रोलिंग के दौरान सेलेक्टिन्स का, सेलेक्टिन्स कितने तरीके के होते हैं, पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन, एल सेलेक्टिन। पी प्लेटलेट्स और इंडोथिलियम पर होगा, पी से प्लेटलेट्स और इंडोथिलियम पर भी ये सेलेक्टिन्स पाए जाते हैं। ऐसे ही ये ई सेलेक्टिन इंडोथिलियम पर होगा, इंडोथिलियम पर होगा और एल सेलेक्टिन ल्यूकोसाइट्स के लेवल पर होगा। नाम से आप समझ सकते हैं इनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा वो हमें देखना जरूरी है। तो आप देखिए, यहाँ पर सेलुलर इवेंट्स को शुरू कराने के लिए कौन सा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर काम करता, पिछले लेक्चर में बात हो चुका है, जिसे हमें यहाँ जूम करके देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स यहाँ इस काम में मदद करते हैं वो कौन से हैं? मैक्रोफेजेस ने कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज किया, वो कौन से हैं? साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और IL-1 का यहाँ पर रोल आप देख पा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पी और ई सेलेक्टिन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया। पी और ई सेलेक्टिन, मैंने आपको बताया है पी सेलेक्टिन कहां पर होता है, प्लेटलेट्स और इंडोथेलियम पर। ई सेलेक्टिन कहां पर, इंडोथेलियम पर। और ये अब अपना एक्सप्रेशन देखिए, पहले ये नहीं दिख रहे थे, आप यहां पर देखिए, यहां पर पहले कुछ भी इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं था, अब ये सेलेक्टिन्स एक्सप्रेस हो गए हैं। और इस सेलेक्टिन्स के साथ किसका इंटरेक्शन होगा देखते हैं, सेलेक्टिन्स के साथ इंटरेक्शन यहां पर किसका होगा उस चीज को देखते हैं। सेलेक्टिन्स के साथ CLL, लेविस, एक्स रिसेप्टर या ग्लाइकोप्रोटीन्स का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, लेविस, लेविस को L से याद करिए, तो यहाँ पर देखिए लेविस, CLL लेविस, ये कहाँ पर है, ल्यूकोसाइट्स पर। CLL लेविस ल्यूकोसाइट्स पर ये रिसेप्टर्स आपको ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देखें, ये ग्रीन कलर से जो दर्शाया गया है ये क्या है, CLL लेविस मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसके साथ इंटरेक्शन होगा किसका। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कलर वाले जो पहुंच रहे हैं ना, इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, आप यहाँ पर देखिए, पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन का होगा। इसके अलावा एक और देखने को मिल रहा है, एक और चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रिंस को दर्शाया गया। ये क्या है, इंटीग्रिंस, ये इंटीग्रिंस अगले लेवल पर काम कर, इंटीग्रिंस को याद रखिएगा, कहाँ पर दर्शाया गया है, ल्यूकोसाइट्स के लेवल पर दर्शाया। तो ये जो इंटीग्रिंस हैं वो अगले लेवल पर काम करेंगे। शुरुआती लेवल पर कौन काम कर रहा है, आप देखिए, शुरुआती लेवल पर CLL लेविस मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स पी और ई सेलेक्टिन के साथ इंटरेक्शन दर्शाते हैं। एल सेलेक्टिन ये ग्लाइकम 1 रिसेप्टर के साथ दर्शाता है, जो इमेज में दर्शाया नहीं गया था। तो एल सेलेक्टिन जो होता है ये ल्यूकोसाइट्स पर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो आप समझ सकते हैं, जो इसका क्रॉस रिसेप्टर आप समझ सकते हैं, वो कहां पर होगा, कैसे होगा, वो क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। तो जैसे पी ई सेलेक्टिन ये CLL लेविस एक्स रिसेप्टर से जा करके इंटरेक्शन दर्शाते हैं, ये कहां पर होगा, ल्यूकोसाइट्स पर होगा। एल सेलेक्टिन इसका रिसेप्टर कहां पर होगा, ग्लाइकम 1 रिसेप्टर होता है, जो CD34 के नाम से जाना जाता है, ये इंडोथिलियम की दीवारों पर प्रेजेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जैसे नीट में ही क्वेश्चन पूछा गया था,
रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स, रोलिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, रोलिंग समझ रहे ना, मार्जिन्स की ओर आकर के तेजी से घूमते हुए अपनी स्पीड, अभी टायर के पहिए के तरीके से तुरंत ब्रेक नहीं लग पा रहा, रोल करते हुए धीरे 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 वो रुकेगा, अगले स्टेप में अडहेयर होगा, अडहेशन से पहले रोलिंग, रोलिंग में क्या हुआ, ल्यूकोसाइट्स इंडोथिलियम की दीवारों से जब चिपकते हैं तो घटना किसके द्वारा मीडिएट होती है, क्या वो ICAM1 बीटा 2 इंटीग्रिंस, इंटीग्रिंस का नाम अभी मैंने बताया है, वो अभी नहीं काम करते हैं, इंटरल्यूकिन 8 ये अभी नहीं काम करेगा, पी और एल सेलेक्टिन का रोल अभी मैंने बताया है वो रोलिंग में काम करते हैं, एल सेलेक्टिन भी रोलिंग में काम करता है। तो यहाँ जो NCERT में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके चारों ऑप्शन आप देखें तो ICAM1 बीटा 2 इंटीग्रेंस ये एडहेशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, किससे रिलेटेड है, एडहेशन से रिलेटेड है, जबकि क्यूमोटैक्सिस से रिलेटेड कौन है, इंटरल्यूकिन 8, पी सेलेक्टिन किससे रिलेटेड है, पी सेलेक्टिन रिलेटेड है रोलिंग से, अभी मैंने आपको बताया है। नीट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, इंडोथेलियल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रोलिंग, तो फिर वही क्वेश्चन, VCAM1 ICAM1 ये अगले स्टेप में आप पढ़ेंगे, अडहेशन रोलिंग के बाद जब रुक जाता है तो तेजी से चिपकना पड़ता है, अडहेयर होना पड़ता है तेजी से, तो उस काम में ए और बी ऑप्शन वाले काम का, CD31 का रोल नहीं होगा, CD34 मैंने बोला था एल सेलेक्टिन जो ल्यूकोसाइट्स पर होता है उसको चिपकाने के लिए इंडोथिलियम की दीवारों पर एक रिसेप्टर होता है GlycM1 रिसेप्टर जिसे हम CD34 कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ICAM1 और VCAM1 अगले स्टेप पर काम करेंगे अडहेशन, और अडहेशन के बाद अगली स्टेप होते डायपिडेसिस, एडेशन के बाद CD31 का रोल होगा, तो हमें इवेंट्स पता होना चाहिए। एक सवाल ये भी पूछा गया था ऑल इंडिया में कि इंडोथेलियल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रोलिंग, तो मैंने आपको बताया ना ग्लाइकेम 1 ये कहां पर होता है, ग्लाइकेम 1 रिसेप्टर इंडोथेलियम की दीवारों पर होता है जिसको हम CD34 भी कहते हैं। CD34 का रोल आपको कहां पर देखने को मिला, ये चीज हमने देखा। अब CD65 का रोल कहां, CD65 ध्यान रखिएगा ये AML से रिलेटेड, और CD56 इसका उल्टा वो NK सेल से रिलेटेड है, तो एक M वाला M 65 से 56 NK से, और CD100 ये सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा से रिलेटेड होता है। इसके बाद अडहेशन जो अगली प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, तो रोलिंग खत्म हो गया, रोलिंग के बाद स्टेबल अडहेशन, स्टेबल अडहेशन से पहले ये जो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हैं इंटीग्रिन एक्टिवेशन एंड कीमोकाइंस बाय कीमोकाइंस, ये सीधे तौर पर एम्स में स्टेटमेंट पूछा गया था अभी 1-2 साल पहले, यहाँ पर देखिए ये इवेंट्स पूछा गया था। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है रोलिंग, उसके बाद इंटीग्रिंस का एक्टिविटी, उसके बाद स्टेबल एडहेशन हो, तो मैंने आपको बताया ना पी सेलेक्टिन ई सेलेक्टिन से जुड़ने के लिए सीएलएल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो अपना काम दर्शा देते। उसके बाद होता क्या है, इंटीग्रिंस का रोल आता है, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर देखिए ये जो दर्शाया है हमने, इसको मैंने क्या बोला था रेड कलर से जिसको मैं दर्शा रहा हूं उसको मैंने बोला था ये इंटीग्रिंस होते हैं। इंटीग्रिंस कहां पर है और इसको कौन जोड़ रहा है, इंटीग्रिंस को जोड़ने के लिए इंटीग्रिंस लाइगेंड्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, इंटीग्रिंस को जोड़ने के लिए इंटीग्रिंस लाइगेंड्स होते हैं। ये आप देखिए इंटीग्रिंस लाइगेंड्स ICAM1 के नाम से जाना जाता है, ICAM1 के नाम से जाना जाता है। आप देखिए इंटीग्रिंस यहां पर आया, इंटीग्रिंस यहां पर पहुंचे, इंटीग्रिंस का इंटरेक्शन, अब देखिए यहां पर इंटीग्रिंस का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, इंटीग्रिन लाइगेंड्स के साथ हो रहा है। इसके कारण ये रोलिंग के बाद देखिए ना ये रोल करते करते रुका, रुकने के बाद देखिए इंटीग्रिंस बहुत तेजी से हाई एफिनिटी के स्टेट में पहुंच जाता है, और यहां पर जो पहले ये ल्यूकोसाइट्स राउंड शेप के थे, अब देखिए ये पहले राउंड शेप के थे, अब वो चपटे हो जाते क्योंकि ये चिपक करके रुक जाते हैं। तो इस तरीके से अडहेशन रोलिंग के बाद जो अडहेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा मीडिएटेड होती है, इंटीग्रिंस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा मीडिएटेड, ये हाई एफिनिटी की वजह से होता है इंडोथिलियम पर, इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से लाइगेंस इंडोथिलियम पर पाए जाएंगे अभी मैंने आपको दिखाया, तो इसमें इंटीग्रिंस जो होते हैं इंडोथिलियम पर, आप देखें ये जो ल्यूकोसाइट्स पर आप क्या हैं, ये इंडोथिलियल रिसेप्टर्स नहीं है बल्कि आप ऐसे समझें लाइगेंड्स जो इंडोथिलियम पर होते हैं वो VCAM1 और ICAM1 होता है, बीटा 1 और बीटा 2 जो इंटीग्रिंस होते हैं ये ल्यूकोसाइट्स पर पाए जाते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स पर प्रेजेंट होते हैं और इनके लाइगेंड्स इंडोथिलियम पर पाया जाता है। तो देखिए ये जो इंटीग्रिंस आपको दर्शाया जा रहा है ये इंटीग्रिंस हैं कहां पर, ये इंटीग्रिंस आपको कहां पर दर्शाए गए हैं, देखिए ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर, देखिए ये इंटीग्रिंस दर्शाए, जबकि इंटीग्रिंस
से रिलेटेड जो लाइगेंस हैं वो कहाँ पर दर्शाए गए हैं, वो इंटीग्रिन से रिलेटेड जो लाइगेंस हैं वो आपको इंडोथीलियम की दीवारों पर दर्शाए। थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझते रहना, ये इंडोथीलियल रिसेप्टर्स नहीं है, आप ऐसे समझें ये ल्यूकोसाइट्स पर इंटीग्रिन्स पाए जाते हैं और इंडोथीलियम पर उसके लिए रिसेप्टर या लाइगेंस अवेलेबल होते हैं, VCM1 ICAM1 पाया जाता है। अब सवाल PGI में यही पूछा गया था, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स का बड़ा रोल होता है, तो मीडिएटर्स इन्वॉल्व इन अडहेशन रुकने में और मूवमेंट में कौन मदद करता है? तो इसमें एक ऑप्शन था कॉम्प्लीमेंट 5A, ल्यूकोट्राइन B4, इंटीग्रिन्स और ल्यूकोट्राइन इंटरल्यूकिन 8 L-सेलेक्टिन, इतने का नाम दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेमेशन के दौरान इंटीग्रिन्स का बड़ा रोल होता है, इन्फ्लेमेशन में अगर एडहेशन है तो इंटीग्रिन्स का रोल होता है। C5A, ल्यूकोट्राइन B4, ये कीमोटैक्सिस में मदद करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि केमिकली ये रेगुलेट करते हैं, मतलब एक तरह सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है आप वहाँ पर आइए, तो कीमोटैक्सिस की प्रोसेस में वहाँ पर पहुँचाने में मदद करता है कौन? ल्यूकोट्राइन B4 कॉम्प्लीमेंट 5A। इंटीग्रिन्स का रोल यह एडहेशन और उसके आसपास के मूवमेंट्स जो होते हैं वो इंटीग्रिन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इंटरल्यूकिन 8 भी कीमोटैक्सिस में मदद करता है। यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो आसपास में दिक्कत हो रही है इसके कारण कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कीमोटैक्सिस मतलब एक प्रॉपर गाइडेड डायरेक्शन में ही जाने में मदद करते हैं। तो ये कीमोटैक्सिस में किसका किसका रोल होता है आपको मैंने बताया है 5A। आगे चल करके पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ल्यूकोट्राइन B4 LT B4, ल्यूकोट्राइन B4 ये कीमोटैक्सिस में इंटरल्यूकिन 8 का रोल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट 5A, ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, एल सेलेक्टिन का रोल तो रोलिंग में हमने देखा था, याद है ना इससे पहले के इवेंट्स में। आगे के इवेंट्स में कीमोटैक्सिस की प्रोसेस होगी आगे के इवेंट्स में, अभी नहीं। तो अब हमने देख लिया, सवाल यह है कि इननेट इम्यूनिटी के ये स्टेप्स जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है ज़रूरी है हमारी बॉडी के न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वहाँ जा कर के मारें खाएं, लेकिन अगर वो इननेट इम्यूनिटी सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड ना हो तो दो डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगे, एक ल्यूकोसाइट एडहेशन डिफिशेंसी टाइप 1 जिसे लैड 1 कहते हैं जो बीटा 2 इंटीग्रिन्स के डिफेक्ट्स की वजह से होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा? इसमें रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कार्ड की हिस्ट्री मिलेगी, ये क्वेश्चन के रूप में सीधे तौर पर आपको दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा एक और इवेंट होता है ल्यूकोसाइट एडहेशन डिफिशियंसी टाइप 2 लैड 2, इसमें डिफेक्ट्स होता है CLL लेविस एक्स ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जो पहले इवेंट होते हैं उसमें डिफेक्ट का नंबर ज़्यादा है, जो बाद में घटना होती है इंटीग्रिन्स वाली, इंटीग्रिन्स में नंबर कम दिया गया, 1 टाइप 1 इंटीग्रिन्स आगे की होने वाली इवेंट्स हैं, याद है ना। और यहाँ पर CLL लेविस एक्स ये वाली जो घटना L कहाँ पर? ल्यूकोसाइट्स पर, और ये घटना अगर डिफेक्टिव है तो लैड 2 ये एक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यहाँ पर भी रिसेसिव नेचर का होगा, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के साथ ये पेशेंट